ये एक सिंगल है हमारा जिसका नाम है मैनु इश्क दा लग्या रूप। 90s का जो सॉन्ग है फ्रॉम द फिल्म दिल है कि मानता नहीं, उसको रिक्रिएट किया गया है। सब कुछ पहले गाने से इस गाने में ये चेंज है कि हालांकि रोमांस का जो एसेंस है वो वही है, पर इस गाने में बहुत ज़्यादा मॉडर्न साउंड है और बहुत ही एक कंटेम्प्रेरी फील है और सेंशियसली रोमांटिक ये गाना अब इस जॉनर में फॉल करेगा। अच्छा, ये जहन में कैसे आया कि ऐसा कोई सॉन्ग रिक्रिएट किया जा सकता है, ये किसका कॉन्सेप्ट था सबसे पहले? ये एक्चुअली माय सिस्टर खुशाली जो इस वीडियो में डेब्यू कर रही हैं, शी इज़ फीचरिंग इन इट। आई थिंक इट्स हर कॉन्सेप्ट एंड शी कैन रियली ब्रीफ यू वेल ऑन दिस। खुशाली, आप बताइए कैसे जहन में आया? एक्चुअली बचपन से ही आई थिंक हर लड़की के करीब रही है ये मूवी दिल है कि मानता नहीं, और मेरी सबसे एक ये फेवरेट मूवी थी। और ये हुआ राखी का दिन था जिस दिन भाई तुलसी के साथ बस बात कर रहे थे कि उनके माइंड में था कि हम जो पापा के फेवरेट ट्रैक्स हैं हम उसको रिक्रिएट करें, और ये एक फीमेल वर्जन है गाने का, तो उनके माइंड में तुलसी थी और वो बस यही उससे बात कर रहे थे कि ये हम रिक्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा गाना है। तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे पास एक इंस्टेंटली एक आइडिया आया था कि हमें इसके ऊपर हम एक वीडियो बना सकते हैं और हम ये गाने में एक लड़की के हम डिफरेंट इमोशंस को दिखाएं कि जैसे प्यार एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही एक अच्छा अनुभव है, एहसास है, और उसमें आप बहुत ही डिफरेंट इमोशंस के थ्रू जाते हैं। आपको बहुत खुशी होती है, फिर आपको बहुत बेचैनी भी होती है और आपको दुख भी होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें इसमें दिखाने की कोशिश की है, और जब ये मैंने आइडिया उनके साथ शेयर किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो इसी तरीके से शुरू हो गया और फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और मैंने वीडियो के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा डिज़ाइन किया, लुक डिज़ाइन की इसके बारे में, और इट स्टार्टेड ऑल फ्रॉम देयर। जैसे कि आपने डिज़ाइन की बात की, हम सभी जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर हैं, इंटरनेशनल डिज़ाइनर हैं, तो ये कैसे सोचा कि इस गाने में फीचर करना चाहिए, ये किसका आइडिया था? एक्चुअली ये मेरे को बचपन से ही काफ़ी शौक था, और मेरे को पापा ने एक्चुअली हम दोनों को पहले सिंगिंग में डाला था, और हमेशा ये बहुत सिंसियरली करती थी और खुशाली चुपके से बंक करके निकल जाती थी और तो खुशाली का बहुत ज़्यादा जो रुझान था वो था मिरर के आगे कुछ यू नो फेसेस बना के कुछ कोई चीज़ इनैक्ट करना और मम्मी की साड़ी लेकर और मेकअप कर कुछ ना कुछ मैं मिमिक करती रहती थी, इनैक्ट करती रहती थी। तो जब पापा ने भी ये देखा तो मैंने एक मूवी की हुई है बचपन में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, वो एक रिलीजियस मूवी थी, पापा के साथ ही की थी, और वहीं से ही मेरे अंदर था कि मेरे को ये करना है, और ये जब अपॉर्चुनिटी आई और ये एक मेरा इतना एक फेवरेट मूवी में से था, सो इट जस्ट हैपेंड विच वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तुलसी जी, ये जो गाना है ट्रिब्यूट दिया है आपने भूषण कुमार जी को, तो उनका क्या रिएक्शन था ये गाना सुनने के बाद, क्योंकि उनका ये फेवरेट सॉन्ग है, तो उनका क्या रिएक्शन था? ये पापा का फेवरेट सॉन्ग था, भूषण कुमार जी मेरे पापा का, और आई एम श्योर ये उनकी बनाई गई बहुत ही अच्छी फिल्म दिल है कि मानता नहीं का बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही प्यारा ट्रैक था जो हमने रिक्रिएट किया है, जैसे कि मैंने बताया बहुत मॉडर्न साउंड में। आई थिंक बहुत अच्छा इसको रिस्पांस मिल रहा है, अभी कल ही रिलीज़ हुआ है, सब बहुत अच्छा इसको प्रेज़ कर रहे हैं और दे आर रियली लविंग द सॉन्ग, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड इट्स अ गुड इनकरेजमेंट कि हमारा ये पहला वीडियो है और मेरा डेब्यू है, और जितने भी रिस्पांस और फीडबैक सोशल मीडिया पे सबके कमेंट्स और हर एक चीज़ आ रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी नाइस इनकरेजमेंट।